भैया अभी लाइन कवर कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं अभी जा रहा हूँ टैटू बनाने के लिए, और सरप्राइज है टैटू मैं किससे बनवा रहा हूँ, कहाँ बनवा रहा हूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको वहीं पे जाके। तो हमारा चाय नाश्ता होने के बाद हम चले जाएंगे, और ये हमारी माता श्री उठ के और हमें उठा के बहुत हीरोनी बन रहे हैं चश्मा लगा के। ये हमारी नाश्ता के लिए क्या है? ये क्या है? क्या है ये? क्या है मम्मी? इसे क्या बोलते हैं? खस्ता या रस बिस्कुट? हाँ तो आप, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता है तो बता देना। फाइनली मैं भी तैयार हो चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ फटाफट से भैया की दुकान में। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं घर से तो निकल चुका हूँ, तो वहाँ पे घर पे तो हो रहा था कबाड़ दिवाली के, उससे साफ सफाई तो वहाँ पे सूट किया नहीं, तो मैं रास्ते में रुक के यहाँ पे सूट कर रहा हूँ। ये पड़ता है सितारगंज और ये है शमशान घाट, है देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, कमल रेस्टोरेंट के सामने भैया की दुकान है टैटू आश्रम करके, तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे। चौराया है ये, चौराया है, तो आपको जस्ट सामने सामने मिल जाएगी। तो और भैया से मिलते हैं फिर फटाफट से। तो यहाँ पे भैया तो मुझे देख नहीं रहे हैं। अरे भैया तो कुछ कर रहे हैं यहाँ पे काम वगैरह। और भैया बढ़िया हो? बढ़िया बढ़िया बिल्कुल। तो भैया मैं आपके स्टेंसिल की तैयारी कर रहा था। अच्छा, बैठो आप 5 मिनट, तैयारी करते हैं। हाँ 5 मिनट बैठते हैं, फिर कैमरा ऑन करते हैं दोबारा से। लेडीजों के लिए और जेंट्स के लिए भी कपड़े भी मिल जाते हैं भैया के यहाँ पे, और ऑफर आप भैया का तो चल ही रहा है, देख सकते हो। कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो आइए खरीदी और टैटू बना के जाएगी फटाफट से। जैसा कि यार भाई लोग, यार मैं हल्का होने आया था, तो भैया टैटू निकाल रहे हैं, तो निकालते हैं फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो टॉयलेट वगैरह करता है यार, ऐसी गंदगी ना करें, पब्लिक प्लेस के लिए बना रखा है, तो सिरगट उरगट देख रहे हो, इतनी गंदगी कर रखी है भाई, पानी उन्हीं डाल दिया करो यार। बड़ी गंदगी करते हैं लोग यार, भयंकर की, देख रहे सिरगट भी वहीं डाल देते हैं, फेंक दिया करें, बाहर फेंक देंगे तो कष्ट हो जाएगा, क्या साला पानी भी नहीं डालते हैं। भैया ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस कर रहे हैं। तो भैया आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं, और कितना टाइम लगा आपको सीखने में ये चीजें? सीखने में कितना टाइम लगा आपको? मैं बहुत सालों से काम करता हूँ, लगभग 3 साल लगे। 3 साल लगे भैया। अगर कोई काम सीखना चाहे उन्हें सिखाओगे भैया? ये यार टर्म एंड कंडीशन पे लागू करता है, वो मिले मुझसे ऐसे आदमी। तो आपका नेक्स्ट ऑफर क्या रहने वाला है? नेक्स्ट ऑफर भैया खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑफर तो ऑफर ही होता है तो हमें तो बता ही सकते हैं कोई नहीं, भैया का नेक्स्ट ऑफर जानने के लिए भैया को फॉलो करें फटाफट से, ताकि रील आए और आप सबसे पहले देखें और लाभ उठाएं ऑफर का। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। चैनल मेरा द टैटू आश्रम नाम से है, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं मेरे को। हाँ, ज्यादा जानकारी वहां से ले सकते। यूट्यूब भैया, यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब करें फटाफट से भैया का। तो घर ही रखा होगा जैसा कि आपने तो मेरा तो घर रखा तो बढ़िया है, और मैं भी भैया जब तक अभी सेट कर रहे हैं तो फिर मैं भी थोड़ा टहल लेता हूँ, यहाँ वहाँ घूम लेता हूँ, भैया का सामान वगैरह देख सकते हो यहाँ पे। एक पेपर तो तैयार हो चुका है हमारा, जैसे कि इसमें दिखेगा नहीं, लाइनिंग पड़ी हुई है, ये देखो पेन से सेट कर रखी है। तो हाथ का नाप लिया जा रहा है अभी मेरा। जैसा कि ड्रेसिंग तो मैं करता हूँ, हाथों की ड्रेसिंग भैया ही कर दे रहे हैं आज।
सबकी ड्रेसिंग तो हम करते हैं भैया, आज हमारी ड्रेसिंग कर रहे हैं। इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा जो हाथ में है? इससे यार सेंटर में आ रहा है ये, यहाँ पर दिखेगा, मतलब कोई दिक्कत गार्ड हमेशा लगती है। हाँ इसको हो गया होगा कम से कम 10 साल तो हो गया होगा। ऐसा हुआ था ना, जैसे भी मेरे गांव पे जैसा मैं गया था, पूरा शैतान था, खजूर के पेड़ में चढ़ा, कांटा लगा मेरा, मेरे एक यहाँ लगा था और एक इस साइड लगा, मुझे लगा इसमें है, तो मैंने क्या करा, मैंने डॉक्टर के पास गया, मेरे बहन बहन लगी है कांटा, तो डॉक्टर के पास गया तो मैंने इतना हाथ मेरे चीरा लगाया, चीरा लगाने के बाद यहाँ वहाँ चेक किया कांटा तो था नहीं, तो उसके बाद चीरा लगाने के बाद एक नस कट गई मेरी, उसके बाद तुरंत ही सिल दिया, मतलब थोड़ा सा मतलब मक्खी का सिर होता उतना बड़ा कट गया, बस फिर मतलब फड़फड़ा रहा था, सिल दिया उसने, मेरे को चक्कर आ रहा था, सिलने के बाद फिर सिलने के बाद ये फिर थोड़ा ऐसा हो गया, यहाँ काटा था तो यहाँ ऐसे दबा दिया, मैंने कहा यहाँ है तो उसने यहाँ दबा दिया, यहाँ से निकला जो खजूर का कांटा होता है ना, वो शरीर में चलता है, दिल पे आता है, तो यहाँ यहाँ चलने के बाद मैंने जैसे ना तैसे करके यहाँ पहुँचा, यहाँ से क्या करते हैं उसमें बनाते हो, उसमें बनाते हो इतना मजा नहीं, थोड़ा दिखी बना कार नामे भी तो मेरे ऐसे ही थे, किस्मत से देख लो एक बार सेट करके। आज मेरे को यही टाइम ही लगने वाला, काम तो छूट जाएगा आज, कोई दिक्कत नहीं। स्टेंसिल पेस्ट करना भी यही है, कितने टाइम तक रखना पड़ेगा, कितने टाइम तक रखना, बढ़िया लग रहा है ना, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। उसके सिंग विंग की वजह से आ रहा, पड़ा नहीं है काम कोई भी आसान नहीं होता है, करना पड़ता है तभी आसान होता है। हल्का हल्का ब्लड आ रहा है, देख सकते हो। हल्का हल्का ब्लड आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पेन होता है, ज्यादा नहीं होता है। भैया अभी लाइन कवर कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो प्रोसेसिंग चलेगी, फिर भैया बताएंगे क्या चलेगी, अभी तो नहीं बाद में, अभी काम चल रहा है। क्योंकि हैबीलुल्ला भाई आए हैं लोकल से ही, इनने शॉपिंग करनी थी कुछ और टैटू करवाना था, जानते हैं इनसे फीडबैक। तो इतना भैया तो टैटू काफ़ी अच्छा बना है, इतना बड़ा टैटू 3000 में बन जाएगा, और जैसा कि मैंने शॉपिंग भी किया है 2000 का, और शॉपिंग पे डिस्काउंट मिला है, आप पहले भी बताया मैंने, आप आएँ कमल रेस्टोरेंट के सामने टैटू आश्रम करके, और यूट्यूब चैनल भी भैया का सब्सक्राइब करें फटाफट से, और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा तो बन गया है आपका बारे बनाने, फटाफट से आ जाओ। फाइनली टैटू तो हमारा कंप्लीट हो गया, फिर भैया से हम लेते हैं अलविदा, तो मिलते हैं अब नए टैटू के साथ में और नया ब्लॉग के साथ में, बिल्कुल बढ़िया करेंगे।